हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल चैप्टर नंबर फाइव हम आज करने जा रहे हैं स्टार्ट जिसका नाम है ई e कॉमर्स आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर वन अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे आ, सबसे पहले हमें आने वाला है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स पढ़ेंगे उसके उसके बाद फंक्शंस पढ़ने वाले हैं स्कोप uh, आएगा इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन आने वाला है ये चीज़ें हम देखेंगे ई e कॉमर्स के बारे में अब यहाँ पे और आगे हमें देखना है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स है uh, किस तरीकों में उसे डिवाइड किया गया है तो उसमें हमारा आएगा बी टू सी बी टू बी सी टू सी ये चीज़ें हम डिटेल में सारी ही करने वाले हैं चैप्टर में उसके बाद आने वाला है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया ट्रांजिशन टू ई कॉमर्स इन इंडिया ई कॉमर्स ट्रांजिशन चैलेंजेस ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च तो यहाँ पे हम कुछ ई कॉमर्स e के स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे कि आजकल के ज़माने में ई कॉमर्स e बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है ठीक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के वर्ल्ड में ई कामर्स e होना तो उसके बारे में हम कुछ देखेंगे उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे बहुत बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे ई e कॉमर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा ई e कॉमर्स का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स तो अब यहाँ पे सबसे पहले ई e कॉमर्स का मीनिंग जब देखें तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अब जब ये कॉमर्स वर्ड आता है सिर्फ कॉमर्स वर्ड कॉमर्स तो वर्ड का मीनिंग हो जाता है बाइंग एंड सेलिंग ठीक है हम गुड्स बाय करते हैं सेल करते हैं अब ये तो कॉमर्स हो गया लेकिन ई e कॉमर्स का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स देखिए अब इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग करना उसे हम बोलेंगे ई e कॉमर्स जब ट्रेडिशनल जमाने में जब भी बिजनेसेस होते थे तो तब क्या होता था गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग फ़िज़िकली होता था इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता था जब हम गुड्स ले हमें गुड्स चाहिए तो हम क्या करते थे फिज़िकली जाते थे मार्केट में वहाँ पे शॉप्स में जाते थे गुड्स सर्च करते थे अलग अलग शॉप में जाके देखते थे कौन सी वैरायटी अवेलेबल है क्या क्या प्राइस पे अवेलेबल है क्या क्या क्वालिटी पे अवेलेबल है ठीक है उसके बाद हम सेलेक्ट करके उसे खरीदते थे लेकिन अभी क्या हो गया है ई e कॉमर्स का ज़माना आ गया है बाइंग एंड सेलिंग बहुत इजी हो गया है हम इंटरनेट यूज़ करके बाइंग कर सकते हैं गुड्स का अब मान लो आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन उसे जाके देख सकते हो कि भाई आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वॉच लेनी हो या कोई भी और बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हम क्या कहते हैं ऑनलाइन जाके हम देख सकते हैं अलग अलग साइट्स अवेलेबल रहती है अलग अलग वेंडर्स अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे कौन सा ऑप्शन uh, है क्या प्राइस पे है क्या क्वालिटी है कितने टाइम में हमें डिलीवरी होने वाली है उसके उसके बाद रिटर्न uh, अगर हमें करना हो प्रोडक्ट तो हम कर सकते हैं या नहीं क्या क्या उसकी कंडीशन है ये सारी ही चीज़ें हम आजकल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट यूज़ करके ही कर सकते हैं हमें फिजिकली मार्केट में या शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो ये हो जाता है हमारा ई e कॉमर्स अब पहले के ज़माने में जो ट्रेडिशनल बिज़नेसेस हो रहे थे आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में अब सिनेरियो टोटली चेंज हो गया है अब आ गया है ई e कॉमर्स तो देखते हैं यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स सर्विसिस एंड इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल ठीक है क्या हो जाएगा ई कॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल नाउ इट इज अ जनरल टर्म विच इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ई कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन अब ये जो हम ई e कॉमर्स की बात कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली तो ये किन किन लोगों के बीच में होता है ये हमें बताया है सबसे फर्स्ट हमें दिया है बिजनेस फॉर्म मतलब टू बिजनेस सबसे फर्स्ट आएगा बी टू बी मान लो एक पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से परचेस कर रहा है तो अब ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी नेक्स्ट इज बिजनेस फॉर्म्स एंड कस्टमर्स बी टू सी वो हो जाएगा जैसे हमें कोई प्रोडक्ट एज अ कंज़्यूमर खरीदना है कपड़े लेने हैं वॉच लेने हैं इलेक्ट्रॉनिक कोई गुड्स लेना है हमने क्या किया साइट पे जाके सर्च किया परचेस किया तो वो हो जाएगा कंज्यूमर टू बिजनेस सॉरी बिजनेस टू कंज्यूमर उसके बाद आता है बिजनेस फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा बिटवीन बिजनेस फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ ज़रूरी लाइसेंस वग़ैरह रहते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं तो उसके लिए बिजनेसेस uh, रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा बिजनेस फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट का बी टू जी कंज्यूमर टू बिजनेस यहाँ पे कंज्यूमर की कुछ स्पेसिफ़िक रिक्वेस्ट होगी उस हिसाब से ट्रांजेक्शन होगा ठीक है तो वो हो जाएगा कंज्यूमर टू बिजनेस नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब एक पर्सन जो सेल कर रहा है सामने जो बाय कर रहा है दोनों ही क्या है कंज्यूमर ही है ठीक है वेबसाइट एज अ इंटरमीडियरी यहाँ काम करता है तो वो हो जाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर ठीक है इतने टाइप्स यहाँ पे आएंगे ई e कॉमर्स के ट्रांजेक्शन में नाउ विथ राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज ई कॉमर्स हैज़ विटनेसड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट एंड द टोटल साइज हैज़ जम्प फ्रॉम यू एस डॉलर थ्री बिलियन इन टू थाउजेंड थर्टीन टू यू एस डॉलर थर्टी थर्टी बिलियन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन देखिए ये जो भी ग्रोथ हुआ है उन लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है डेटा दिया है तो वो लोग क्या बोल रहे हैं क्यों हुआ है विथ राइजिंग इंटरनेट पहले इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं थी जो आजकल के ज़माने में अवेलेबल है तो एक तो इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो गया दूसरा स्मार्टफोन का भी यूज़ बढ़ गया आजकल तो हर पर्सन के पास में स्मार्टफोन रहता ही है इंटरनेट भी अवेलेबल रहता ही है जिसे यूज़ करके वो क्या कर सकता है तुरंत ही बाइंग या सेलिंग कर सकता है ठीक है इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया हमारे इंडिया में ई कॉमर्स का उसके बाद उन लोगों वो लोग बता रहे हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टच यू डॉलर वन बिलियन बाई टू एंड फर्दर टू यू डॉलर टू ट्वेंटी बिलियन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ये कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना ग्रोथ इन फ्यूचर होने वाला है बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव नव की फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स अब ये जो ई कॉमर्स आजकल सक्सेस हो गया है बहुत और होते ही जा रहा है तो उसके कुछ फैक्टर्स जो आ, उसके कुछ फैक्टर्स जो आ, उसका रीज़न है वो क्या है वो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट वो लोग बता रहे हैं टाइमली एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सच एज डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया एंड इनोवेशन फंड विल हेल्प ओवरकम चैलेंजेस रिलेटेड टू इन इफेक्टिव रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पहले रूरल एरिया में ज़्यादा लोग इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ नहीं करते थे वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी दूसरा क्या था लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर लोग इतने स्किल्ड नहीं थे जो अब होने लगे हैं तो ये सारे चेंजेस कैसे हुए किस वजह से हुए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव किए हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आगे लाने के लिए तो कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए काफ़ी सारे किए डिजिटल इंडिया किया मेक इन इंडिया किया स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया एंड इनोवेशन फंड उसकी वजह से क्या हुआ इंटरनेट का यूज़ भी रूरल एरिया में बढ़ गया सेम yeah. स्किल्ड लोग भी मैन पावर भी बढ़ने लगे एंड yeah. उसकी वजह से ई e कॉमर्स में ग्रोथ आने लगा नाउ सेकेंड रीज़न वो लोग बता रहे हैं जी एस टी मे द ग्रोथ ऑफ द ई कॉमर्स एज इट विल इन्फोर्स अ सिंगल कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस अब ये जो अब क्या हो गया है जी एस टी आ गया है कुछ सालों से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे हम बोलते हैं अब ये क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जब भी कोई गुड्स या सर्विसेस सेल होता है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स अब पहले कैसा था अलग अलग स्टेट के रूल्स अलग अलग थे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लेकिन अब क्या हो गया है जी आ गया है कुछ सालों से जिसकी वजह से आ, बहुत इजी हो गया है टैक्स को इम्प्लीमेंट करना सारे ही स्टेट्स के लिए तो अब पहले कैसा होता था जो अलग अलग रूल्स थे अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए थे अलग अलग स्टेट में तो क्या होता था एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सेलिंग होता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता था लेकिन अभी क्या होता है सब कुछ सिमिलर है आफ्टर जीएसटी कैलकुलेशन करना भी बहुत इजी है तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही इजी हो गया इंटर स्टेट सेलिंग करने के लिए तो जीएसटी में एनहेंस द ग्रोथ ऑफ़ ई कॉमर्स तो आफ्टर जीएसटी क्या हो गया बहुत ग्रोथ बढ़ गया हमारे ई e कॉमर्स का एज इट विल एनफोर्स अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है सबसे फर्स्ट चीज़ क्या हो गई हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए दूसरी चीज़ क्या हो गई जी आ गया अब थर्ड क्या हुआ इवोल्यूशन ऑफ न्यू पेमेंट सोल्यूशंस विच विच सोल्यूशंस विल ऑल्सो ईज द ट्रांजेक्शंस द लॉन्च ऑफ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस बाय आर बी आई विल ट्रांसफॉर्म द मोबाइल बैंकिंग ठीक है क्या हो गया अभी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस आ गया जिसे हम यू पी आई भी बोलते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द ई बिज इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ फेल्ड ई कॉम कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज इन द करंट पेमेंट सिस्टम अब यहाँ पर क्या हुआ हमारी गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यू पी आई सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से क्या होने लगा कि हम क्या कर सकते हैं मोबाइल ऐप यूज़ करके कहीं पर पे भी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं तो क्या होता है वहाँ पे हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फिर हम कुछ बाइंग कर रहे हैं तो मर्चेंट को या वेंडर को भी हम पेमेंट तुरंत ही कर सकते हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट ऑन द स्पॉट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो हमें यहाँ पर क्या होता है कैश की झंझट नहीं कैश अवेलेबल करने की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है जिसने भी तो इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ई e कॉमर्स का ग्रोथ करने में तो ये तीसरी चीज़ हो गई नेक्स्ट देखते हैं हम कंटीन्यूस इनोवेशन डिजिटाइजेशन एंड इंटीग्रेशन क्या आया इनोवेशन आया डिजिटाइजेशन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस विल हेल्प द सेक्टर इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स विल ओनली बूस्ट ई कामर्स देखिए यहाँ पे भी उन लोगों ने बताया है काफ़ी सारा जो इनोवेशन डिजिटाइजेशन हो गया उसकी वजह से अब क्या हो गया है स्मार्टफोन का यूज़ एंड इंटरनेट का यूज़ बहुत ही बढ़ गया है जिसकी वजह से ई e कॉमर्स का ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ठीक है तो ये कुछ हमने क्या देखे फैक्टर्स देखे जो जिसकी वजह से क्या हुआ है ई e कॉमर्स का ग्रोथ हुआ है ठीक है ये हमने कुछ चार की फैक्टर्स देख लिए अब आगे देखते हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स अब यहाँ पे हमें फर्स्ट कुछ डेफिनेशंस दी गई है ई e कॉमर्स की वो देखते हैं सबसे फर्स्ट डेफिनेशन इज केनेट सी लॉर्डन डिफाइंस ई कॉमर्स

ट्रांजैक्ट बिजनेस मतलब जो भी हमें बाइंग करना है या किसी को सेलिंग करना है तो वो हम कर सकते हैं मोर फॉर्मली डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या है ई कॉमर्स डिजिटली इनेबल्ड ट्रांजैक्शन है पर कैसे कमर्शियल ठीक है कमर्शियल क्यों कहा गया है जब भी कोई सेल सेल करेगा पर्सन सेलिंग होगा तो उसके बदले में वो कंसिडरेशन उसे मिलने वाला है इसीलिए कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स कहा गया है बिटवीन एन अमोंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल सब ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में होते हैं दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं ठीक है ठीके, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपको दिया गया है न सेकेंड इज प्रोफेसर पी टी जोसेफ डिफाइन्स ई कॉमर्स इज़ द मूमेंट ऑफ बिजनेस ऑन टू द वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है इन्होंने बहुत ही शॉर्ट uh, एंड बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया कि ई e कॉमर्स क्या है मूवमेंट हो गया बिजनेस का जो ट्रेडिशनल जो हम फिज़िकली जाके गुड्स खरीदते थे अब वो बिजनेस चेंज हो गया शिफ्ट हो गया किस पे ई कॉमर्स इज मूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑन टू द वर्ल्ड वाइड वेब तो ये हो गया हमारा सेकेंड डेफिनेशन नाउ थर्ड इज जैस डिफाइंस ई कॉमर्स एज द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन maintaining बिजनेस रिलेशनशिप एंड conducting business transactions by means ऑफ telecommunications network नेटवर्क इन्होंने क्या बोला कि जो भी ये चीज़ें हम करते हैं बिज़नेस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ठीक है थर्ड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम कैसे करते हैं बाई मीनस ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्कस है वो यूज़ करके कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तो उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स ठीक है तो ये हो गया हमारे तीन डेफिनेशन ई कॉमर्स के बारे में ना आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्या मीनिंग है क्या डेफिनेशन है ई e कॉमर्स का नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ई कॉमर्स हैज़ यूनिक फीचर्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स आर सबसे फर्स्ट फीचर हमें दिया गया है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी अब ये ई कॉमर्स क्या है ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है ऐसे रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं की जाती कि चलो वेबसाइट बना दिया बिना प्लान किए कौन सा गुड सेल करना है वो भी प्लान नहीं किया है ऐसे नहीं ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक वे में कुछ प्लान करके रिसर्च करके प्रॉपरली कोई एक्टिविटी की जाती है रिसोर्सेज प्रॉपर ला के उसे यूज़ किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी तो ई e कॉमर्स क्या है एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कोई बिजनेस है ठीक है वो अगर ई कॉमर्स डेवलप कर रहा है उसके थ्रू बिज़नेस कर रहा है तो वो क्या करेगा सबसे पहले तो सर्च करेगा कि कौन से कौन से टाइप के मार्केट में कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनके रिक्वायरमेंट क्या है उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए क्या प्राइस पे चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा रिसोर्स लाएगा गुड्स बनाएगा वैसे ही गुड्स अवेलेबल करेगा कस्टमर के लिए तो ये सारी ही चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में होती है इसीलिए ई कॉमर्स को एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कहा गया है तो देखिए ई कॉमर्स इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग in goods and services and other related activities the activities of e-commerce इन्वॉल्व information search by e-commerce देखिए यहाँ पे क्या किया जाए इन्फॉर्मेशन सर्च बाय कस्टमर सॉरी उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया गया है देखिए क्या बताया है कि कैसे एक सिस्टम फॉलो होता है ई e कॉमर्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है इंफॉर्मेशन सर्च बाय कस्टमर कस्टमर क्या करेगा उसे जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसके प, उसके बारे में वो सबसे पहले सर्च करेगा उसके बाद आता है प्लेसमेंट ऑफ़ ऑर्डर सर्च कर लिया कस्टमर ने ठीक है मुझे मान लो फ़ोन ख़रीदना है या वॉच खरीदनी है तो हम मैं क्या करूँगी अलग अलग साइट पे जाके सर्च करूँगी ठीक है सर्च हो गया प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर उसके बाद नेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया एक बार कि मुझे कहाँ से परचेस करना है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय कस्टमर होता है नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर अब जो वेंडर है मर्चेंट है वो क्या करेगा उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ़ गुड्स उसके वहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस हो गया वो सारी चीज़ें देख लेगा कि कस्टमर ने कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर की है क्या क्वालिटी ऑर्डर की है पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है सारी चीज़ें देख के वो ऑर्डर प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद गुड्स को डिलीवर किया जाएगा डिलीवरी ऑफ़ गुड्स कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड उसके बाद आएगा आफ्टर सेल सब एक्टिविटीज अभी आफ्टर सेल एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगा एक बार गुड सेल हो गया मान लो अगर हमने कुछ कुछ टर्म्स रखी है कि आप विद इन सेवन डेज या विद इन फाइव डेज रिटर्न कर सकते हो विद इन फाइव डेज रिटर्न कर सकते हो ठीक है तो क्या होगा कस्टमर को अगर रिटर्न करना हो तो वो कर सकता है या फिर गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो रिपेयर करने के लिए भेज सकता है ऐसी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत सारी होती है ठीक है तो वो भी दी जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट तो ये सारी ही चीज़ें एक सिस्टमेटिकली होती है एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है इसीलिए ई कॉमर्स को ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कहा गया है नाउ नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट फीचर इज़ टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स अब ये जो हम ई e कॉमर्स की बात कर रहे हैं ये जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग के तो वो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं बिज़नेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू इंडिविजुअल ठीक है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है उन ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में कुछ टाइप्स में तो वो हम देखते हैं देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सर्च एस सबसे फर्स्ट है बी टू बी दो बिजनेसिस के बीच में बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन होगा बी टू बी बिजनेस फॉर्म्स एंड कस्टमर्स बिजनेस एंड कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़ बी टू जी कंज्यूमर टू बिजनेस सी टू बी एंड लास्ट आने वाला है कस्टमर टू कस्टमर दो कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन होने वाला है सी टू सी तो अब आगे देखते हैं ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप्स हम दे, हमने देखे आगे जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अब ई e कॉमर्स में क्या होता है इन्फॉर्मेशन जो भी एक्सचेंज होती है बिटवीन वेंडर एंड कस्टमर वो कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिकली होती है ठीक है कस्टमर क्या करेगा साइट पे जाके सारी ही इंफॉर्मेशन सर्च करेगा एंड उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रहा है तो ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ऑनलाइन हो रही है फ्राम द सेलर टू द बायर्स इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज एंड प्रोसेस बाय कम्युनिकेशन नेटवर्कस एंड कंप्यूटर्स एज वेल एज ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल थ्रू इंटरनेट ऑल्सो मोस्ट ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेसड ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं ऑटोमेटिकली ही प्रोसेस होते हैं यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा थर्ड फीचर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ना फोर्थ वन इज सपोर्ट सिस्टम देखिए अब ये सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है वो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट आ रहा है ई कॉमर्स पुल्स टुगेदर अ गवमेंट ऑफ बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज सच एज ठीक है इसका मतलब हो जाएगा स्कोप ऑफ बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी सपोर्ट सर्विसेज आती है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल ऑनलाइन डायरेक्टरीज़ ठीक है ये सारी चीज़ें एक हो जाएगी सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है थ्रू ईमेल्स या ऑनलाइन डायरेक्टरीज से भी इंफॉर्मेशन मिलती है काफ़ी सारी ट्रेडिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर कमोडिटीज प्रोडक्ट एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट ठीक है ये हो जाएगा ट्रेडिंग सपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम ऑर्डरिंग एंड लॉजिक्स लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्या होता है कस्टमर ने ऑर्डर किया ऑर्डर प्रोसेस हुआ उसका ठीक है उसके बाद क्या होता है लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक कस्टमर तक गुड्स पहुँचाता है ठीक है वो गुड्स जब वेंडर ऑर्डर दे देता है कि चलो ये अभी डिलीवर करना है तो लॉजिस्टिक क्या करता है उसे हाउस से लेके फिर ट्रांसपोर्टेशन करके कस्टमर तक पहुंचा देता है वो हो जाता है लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग सिस्टम जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वहाँ पे क्या होगा मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाएंगे रेगुलर इंटरवल पे जो भी हेल्प करता है ई कॉमर्स e को सक्सेस होने में ई कॉमर्स सक्सेसफुली चलने में ठीक है तो ये भी एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा तो ये था हमारा फोर्थ फीचर कि ई e कॉमर्स के लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम होती है Now next is global global reach. reach क्या मतलब होता है कि अभी buying and selling ये जो हम e-commerce बोलते हैं वो worldwide हो गया है ठीक है पहले geographical limits कुछ आ जाती थी अगर हमें भी कुछ goods लेना है खरीदना है तो हमारे पास भी कुछ limitation हो जाती थी अभी आज कैस आजकल कैसा हो गया है आपको कहीं से भी कोई भी गुड्स ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो जोग्राफिकल लिमिटेशन आपको नहीं आती है तो ये एक फिफ्थ बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है ग्लोबल रीच ई कॉमर्स के ज़रिए आप कहीं से भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं ठीक है एक एरिया में कुछ नया गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और वो बहुत दूर कहीं और किसी को चाहिए तो वो उसे मिल जाता है now e-commerce technologies enable a business to easily reach across geographic boundaries however traditional e commerce may be restricted only to a local area especially for new entrepreneurs global reach enables the entrepreneur to reach a large number of customers across the several countries देखिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे भी हम उसे पहुँचा सकते हैं इसीलिए ग्लोबल रीच कहा गया है इसे नाउ सिक्स फीचर इस बेनिफिट ऑफ यूबीक्विटी अब यूबीक्विटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हर जगह पे अवेलेबल है ठीक है हर जगह पे आपको मिल जाएगा आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो एंड आप कहीं पे भी उसकी डिलीवरी ले सकते हो तो ई कॉमर्स इज यूबिक्विटीज दैट इज इट्स एक्जिस्टेंस इज एवरीवेयर एट द सेम टाइम ठीक है यूबिक्विटी लोअर्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स और बायर्स यूबिक्विटी ऑल्सो रिड्यूसिस कॉग्नेटिव एनर्जी ठीक है ये हमारे लिए कुछ हद तक कॉस्ट भी कम करता है मान लो हम खुद फिज़िकली प्रोडक्ट सर्च करने जाए मार्केट में तो वहाँ पे हमें कुछ कॉस्ट लग सकती है तो वो भी कम हो जाती है एंड कॉग्रेटिव एनर्जी जो हमें जो वो फिज़िकल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है जाता जाना पड़ता है अलग अलग शॉप्स में गुड्स देखना पड़ता है प्रोडक्ट देखना पड़ता है तो वो भी हमारी एनर्जी यहाँ पे बच जाती है humans tend to seek options that require the minimum cognitive energy for instance consider the mental effort needed by uh, to buy your book online versus hunting for it at various book store ab yahan pe un logo ne example diya hai ki maan lo koi book aapko purchase karna hai तो आप अलग अलग स्टोर में जाएंगे एंड सर्च करेंगे जबकि आप ऑनलाइन उसे देख लेंगे तो कहाँ पे कॉग्नेटिव एनर्जी कम यूज़ हो रही है ऑफ कोर्स जहाँ पे आप ऑनलाइन बुक सर्च कर रहे हैं एंड बाय कर रहे हैं वहाँ पे कॉग्नेटिव एनर्जी बहुत ही कम यूज़ हो रही है ना नेक्स्ट फीचर इज़ रिचनेस अब ये रिचनेस इन लोगों ने कॉन्टेक्स में बताया है हमें तो जो वेंडर जो इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर को पहले ट्रेडिशनल वे में जिस तरीके से दी जाती थी अभी आजकल कैसे हो गया है थ्रू इंटरनेट वो इंफॉर्मेशन uh, देता है या एडवर्टीज़मेंट करता है ख़ुद के प्रोडक्ट या सर्विसेज की तो वो जो पहले तरीका था जो इंफॉर्मेशन देने का या एडवर्टीजमेंट करने का वो अभी चेंज हो गया है अभी क्या होता है थ्रू इंटरनेट सारी एडवर्टीज़मेंट की जाती है इसीलिए यहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि रिचनेस आ गई है उस चीज़ में नाउ ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स रिचनेस इन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स सच एज एडवरटाइजिंग ई कॉमर्स कैन डिलीवर वीडियो ऑडियो एनिमेशन एक्सेट्रा मच बैटर देन अदर एलिमेंट्स सचेज बिल बोर्ड्स साइंस न्यूज़ पेपर मैगजीन्स एक्सेट्रा अब पहले इन तरीकों से एडवर्टीजमेंट किया जाता है था बिलबोर्ड्स यूज़ किए जाते थे साइंस न्यूज़पेपर यूज़ होता था मैगजीन्स ठीक ब्रोशर्स यूज़ होते थे ये सारी चीज़ों से एडवर्टीजमेंट किया जाता है जबकि अब कैसे हो गया है थ्रू इंटरनेट जब एडवर्टीज़मेंट होता है तो वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को देखना अच्छा लगता है एंड वो लोग क्या हो जाते हैं मोटिवेट हो जाते हैं उस गुड्स को खरीदने के लिए तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के केस में या फिर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बायर की वेंडर की तरफ से कस्टमर के लिए उसमें काफ़ी रिचनेस आ गई है हावेवर इट्स रिचनेस इज़ दैट ऑफ टेलीविजन टेक्नोलॉजी ठीक है तो हमने ये देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी बदल गई है जो कस्टमर को फटाफट से अट्रैक्ट करती है गुड्स खरीदने में नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरेक्टिविटी देखिए अभी यहाँ पे कैसा है ई e कॉमर्स में इंटरेक्शन भी पॉसिबल है बिटवीन बायर एंड सेलर ठीक है अब क्या होता है बायर को जब गुड्स खरीदना है तो जब अगर हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो उस केस में भी कैसा है कि दोनों ही इंटरेक्शन करने के बाद गुड्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल है ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑनलाइन मार्केटर वाया इंटरनेट देखिए ये जो इंटरेक्शन होने वाला है वो कैसे होगा इंटरनेट यूज़ करके इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग साइट्स ऑल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनेबल्स इंटरक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर स्पेशली इन केस ऑफ रिपीट ऑर्डर्स ठीक है कभी कभी क्या होता है इन केस ऑफ रिपीट ऑर्डर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी पॉसिबल होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर जहाँ पे रिपीट ऑर्डर एंड बल्क क्वान्टिटी में गुड्स बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तभी तो ये एक हो गया हमारा फीचर इंटरक्टिविटी का नाउ नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन ठीक है कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में चेंजेस करवाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं तो यहाँ ई कॉमर्स में कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल हो जाता है देखिए ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम किसका कस्टमाइजेशन करने वाले हैं प्रोडक्ट का द कस्टमर कैन प्रोवाइड हि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू सेलर ऑनलाइन इंटरेस्टेड सेलर मे कॉन्टेक्ट द कस्टमर गेट ऑर्डर डिजाइन द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर नीट एंड अकॉर्डिंगली सप्लाई द सेम टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट ठीक है कस्टमर यहाँ पर क्या कर सकता है उसके रिक्वायरमेंट बताएगा सेलर को एंड अकॉर्डिंगली सेलर क्या करेगा उसके प्रोडक्ट में चेंजेस करके एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर चेंजेस करके कस्टमाइज करके वो गुड्स वो क्या करेगा कस्टमर को भेज सकता है ठीक है तो ये हो जाता है कस्टमाइजेशन जो पॉसिबल है ई e कॉमर्स में भी ना उसके बाद आता है डायरेक्ट चैनल अब ये डायरेक्ट चैनल क्या होता है जब ट्रेडिशनली बिजनेसिस होते थे तो मैन्युफैक्चरर ने मान लो गुड्स बना दिया ठीक है अब वो मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को नहीं सेल करता था उसके पास से आ, मान लो उसके बाद होलसेलर ने गुड्स लिया उसके बाद रिटेलर ने लिया रिटेलर के बाद भी किसी और ने लिया एंड उसके बाद वो कस्टमर के पास पहुंचा। तो यहाँ पे क्या होता था बीच में बहुत सारे लोग आते थे वो खुद भी उनका प्रॉफिट लगाते थे तो कस्टमर को जो गुड्स मिलता था उसकी प्राइस फिर थोड़ा हाई होके मिलती थी अभी यहाँ पे क्या होता है ई e कॉमर्स में कस्टमर डायरेक्टली साइट सर्च करके गुड्स ऑर्डर कर लेता है अब यहाँ पे कोई बीच में आता ही नहीं है उसकी वजह से क्या होता है इसे डायरेक्ट चैनल कहा गया है तो कस्टमर को भी प्राइस में काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाता है तो जनरली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट चैनल फॉर इंस्टेंस अ कस्टमर कैन प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर विद द सप्लायर और सेलर थ्रू द इंटरनेट इंटरमीडियर आर जनरली अवॉइडेड देखिए इंटरमीडियर अवॉइड की जाती है इन केस ऑफ ई कॉमर्स देर फॉर द कस्टमर मे पे लोअर प्राइस बिकॉज द इंटरमीडिएस कमीशन इज़ नॉट इन्वॉल्व वो जो पहले होता था मैनुफेक्चर से लेके कस्टमर तक बीच में जो बहुत सारे लोग आते थे जो खुद का भी प्रॉफिट या कमीशन एड करते थे अब वो निकल गया मतलब कस्टमर के लिए प्राइस कम हो जाती है यहाँ पे ई e कॉमर्स में तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कस्टमर के लिए डायरेक्ट चैनल नाउ नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं बेनिफिट्स टू कस्टमर अब कस्टमर के लिए क्या क्या फ़ायदे लाता है ई कॉमर्स ई कॉमर्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स टू कस्टमर सच एज सबसे फर्स्ट है इट ऑफर्स कन्वीनियंस टू कस्टमर्स इन शॉपिंग सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कस्टमर को क्या नहीं करना पड़ता मार्केट में जाओ गुड सर्च करो बहुत जगह घूमो उसके बाद सिलेक्ट करो खरीदो ये सारी झंझट होती ही नहीं है क्या होता है हमने साइट पे प्रोडक्ट सर्च किए क्वालिटी देखा हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया एंड वो प्रोडक्ट सीधा हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस या कंफर्टेबल हम बोलेंगे तो कस्टमर हो जाता है ई uh, कॉमर्स e में इट ऑफर्स कन्वीनियंस टू कस्टमर इन शॉपिंग इट इनेबल्स एनी टाइम शॉपिंग ठीक है ट्वेंटी फोर बाय सेवन कभी भी आपको शॉपिंग करना हो आपको आपके पास अगर दिन में शॉपिंग करने का टाइम नहीं है आप रात को फ्री हुए हैं तो आप उसी टाइम उस टाइम भी सर्च करके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है तो ये इट इनेबल्स एनी टाइम शॉपिंग इट ऑफर्स लोअर प्राइजिस प्राइजिज़ लोअर रहती है कम्पेरिटिवली आगे भी हमने देखा कि डायरेक्ट चैनल है ये ठीक है बीच में इंटरमीडियरीज आते ही नहीं है इसके लिए यहाँ पे प्राइस का एडवांटेज मिल जाता है कस्टमर को इट प्रोवाइड्स लॉयल्टी इंसेंटिव्स लॉयल्टी इंसेंटिव भी मिलता है अगर कोई कस्टमर बार बार रिपीट ऑर्डर वहीं से करता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं तो ये हो गया है बेनिफिट्स जो हमने देखे बेनिफिट्स टू कस्टमर्स नेक्स्ट इज़ बेनिफिट टू सेलर सेलर के लिए क्या क्या फ़ायदे है ई e कॉमर्स के तो ई कॉमर्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स टू सेलर सच एज इट फैसिलिटेट्स ऑडियंस साइजिंग अब ये ऑडियंस साइजिंग क्या होता है कि सेलर क्या करेगा सर्च करेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है कितने कस्टमर्स उसे लेना चाहते हैं तो वो डिसाइड कर सकता है ऑडियंस साइजिंग द सेलर हैज़ टू अंडरटेक लोअर इन्वेस्टमेंट सेलर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो फिज़िकली शॉप सेटअप करना चाहता है मार्केट में तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन ई e कॉमर्स के, के केस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़ता ई कॉमर्स मे बी सब्जेक्ट टू लोअर रिस्क रिस्क भी यहाँ पे काफ़ी सारे कम हो जाएंगे ई सेलर हैज़ टू इनकर लोअर ओवर हैज्स एज कंपेयर टू ऑफलाइन सेलर्स जो भी ऑफलाइन सेलर्स रहते हैं जो so फिजिकली जिन्होंने शॉप ओपन किया है तो उनको जो भी ओवरहेड्स uh, मतलब खर्चे बैर करने पड़ते हैं रेंट पे करना पड़ता है इंश्योरेंस लेना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रहता है सैलरीज़ देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को वो काफ़ी सारे ओवर हेड्स यहाँ पर कम हो जाते हैं ओवर हेड्स तो रहते ही हैं लेकिन कम हो जाते हैं तो ये सारे ही बेनिफिट्स हो जाते हैं सेलर के लिए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने देख लिए फीचर्स क्या क्या है ई e कॉमर्स के Uh, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना थैंक यू सो मच